Sir, yeah. This is awkward. This is just like quickly deleted all cards. Yeah, yeah. Yeah, but it's all gonna go, right? I know. It's gonna go to trash cans. चलो वाइट्स करनी है, थैंक यू। आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी एंटरटेन्ड। ये हमारे बहुत भाड़ीपा वेरी क्लोज फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर इन द सीरीज एज वेल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी सरप्राइज्ड एंड टू बी एंटरटेन्ड। जी बहुत ही एक्साइटेड। मैं मुंबई में आई हैव स्पेंट माय एंटायर लाइफ, तो मैं इतना अच्छी तरीके से बोल नहीं सकती हूँ बिकॉज आई गेट वेरी नर्वस अबाउट इट एंड कॉन्शियस अबाउट इट, बट आई अंडरस्टैंड इट एंड आई एंजॉय लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट दैट मराठी क्रिएटर्स आर क्रिएटिंग। बस शूटिंग चल रही है, वेट कीजिए May 1, 2020। क्या स्टेटस? बस शूटिंग चल रही है, दैट्स इट। गोली नंबर 1 की शूटिंग चल रही है एंड वी आर वेटिंग टू फिनिश एंड टू शो इट टू एवरीबॉडी। वो तो सरप्राइज है। अच्छा, बोलो तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? काफी एनर्जेटिक एक्टर है। जी, मैं भी काफी एनर्जेटिक हूँ, तो वी मैच परफेक्टली एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट विद सारा, वरुण, परेश जी, जॉनी सर, एवरीवन। एंड फिल्म ही ऐसी है कि हर सीन में बहुत मजा आता है, तो वही चल रहा है। वो तो ऑडियंस का, ऑडियंस की राय है एंड दे हैव टू जज फॉर दैट, सो लेट्स सी। थैंक यू। सर यहाँ पे सर 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 यहाँ पे भी सर यहाँ थैंक यू सर। Wait, sir. Thank you, sir. Thank you.
कुठं पाहायचं काका? तुम्ही एवढे फोटो काढले, तुम्ही परवा पाठवले तसे पाठवा काय फोटो? तुम्ही फार छान फोटो काढता असं म्हणतो. फोटो काढत काढत काही बोलायचंय का? नाही आताच बोलतो, आज अप्रतिम त्यांच्याशी गेलेली आहे. त्यांच्याशी नाही हे पाहिजे मला. आज माझं मंगळ केलेलं आहे इथे बघ. सर म्हणता म्हणल्यावर मी म्हणलं कुणाला म्हणता ये ना लोकियात लोकियात. थँक यू. थँक यू थँक यू. यहाँ पे यहाँ पे मैम थैंक यू. Van Look Center. Thank you. Thank you. Thank you. सगळ्यात आधी खूप खूप मनापासून अभिनंदन भाडीपाच्या सगळ्या टीमला, सारंग पॉला इवन निपुण एव्हरीवन. म्हणजे आता सध्या नेटफ्लिक्स, Zee5, हॉटस्टार, ॲमेझॉन प्राईम, MX Player आहेच,
हॉटस्टार या सगळ्याचं आता सध्या डिजिटलची हवा खूप आहे आणि ऑब्व्हियसली मीही खूप फॉलो करतो नेटफ्लिक्स ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअर. आत्तापर्यंत ज्या ज्या सिरीज पाहिल्यात ॲमेझॉन नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स म्हटलं की असं एकदम असं खूप डीप डार्क असं वगैरे सिरीज बघण्याची सवय लागली होती, पण आय थिंक भाडीपा विल चेंज द टेस्ट आणि या दोन्ही वन्स अ इयर आणि पांडू ह्या दोन सिरीजचं आज काही एपिसोड त्यांनी दाखवले. सर्वात सांगायला आवडेल की खूप छान आयडिया आहे की डिजिटलच्या कंटेंटचा असा काहीतरी छानसा प्रीमियर प्रिव्ह्यू होतो आहे लाईक अ फीचर फिल्म. इट्स व्हेरी ब्युटिफुल, व्हेरी नाईस थिंग. आणि भाडीपा ऑल द बेस्ट अँड थँक्स फॉर दिस सुपर अँड नाईस अँड ब्युटिफुल ट्रीट वन्स अ इयर अँड पांडू. गाईज प्लीज वॉच ऑन एम एक्स प्लेअर फ्रॉम टुमारो. दो स्क्रीनिंग्स है हाँ. अरे सच अ ब्रिलियंट कॉन्सर्ट बोथ ऑफ देम मैन. आई थिंक मृण्मयी एंड निपुन इज वंडरफुल एक्टर. सुहास सर इज वेरी गुड एंड यू नो एवरीवन प्राज एंड ऑल आर माय फ्रेंड्स. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देम. आई हैव बीन वर्किंग विद देम फ्रॉम पास्ट व्हाट 10-12 इयर्स नाउ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दे आर रियली रियली डूइंग गुड एंड भाडीपा इज अमेजिंग चैनल. तो मुझे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सबके लिए. किसके एक्टिंग? सारे एक्टर्स. आई थिंक क्योंकि मैं पहले से भाडीपा की जर्नी देख रही हूँ और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है और गुड कंटेंट, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ये किया है. एवरीथिंग इज़ वर्कड आउट सो वेल. द एक्टर्स आर गुड. इट्स रिटन वेरी वेल. इट्स शॉट वेरी वेल. And the kind of subjects they have picked up is very interesting and very important. So I feel everyone should watch this show. It's a brilliant. And in Marathi, madhe asa content yena he mala vatte khup mahatvacha hota ani yanni he anlela ahe. And Bhadipa madle Sarang, Paula and Anusha, in fact the whole team of Bhadipa ne khup changla kaam kelela ahe Marathi content madhe asas kaam karat rahav. So I'm excited. OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, यार मैं सेक्रेट गेम्स में थी तो मुझे तो लगता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एंड इट हैज़ गिवन मी एंड मैनी पीपल अ ग्रेट रिकग्निशन एंड अ गुड शो फॉर द इंडियन OTT प्लेटफॉर्म. सो आई फील इट हैज़ ओपन डोर्स फॉर ऑल द आर्टिस्ट, ऑल द क्रिएटर्स. एंड अभी जैसे 2 घंटे में सिनेमा ख़त्म होता था, अभी हम लोग उसको अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट बेटर सीरीज एंड अ बेटर कॉन्टेंट. एंड मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट
डिपेंड्स यार, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है सीज़न टू, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया है। सीज़न वन के बारे में भी यही था। बाय द वे, अभी जस्ट पता चला है मुझे कि सेक्रेड गेम सीज़न वन को एमी नॉमिनेशन मिला है। इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया एंड आई एम रियली रियली ग्लैड एंड हैप्पी फॉर इट। तो यू फॉर दैट। और सीज़न टू अच्छा लगना है ना लगना की अलग बात है, मुझे अच्छा लगा। मिक्स रिएक्शंस होती रहती है हर काम के लिए, बट आई थिंक वी शुड बी हैप्पी कि हमारे यहाँ पे अभी इस तरह का कंटेंट बन रहा है, इस तरीके से हम किरदार को देख रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। या ऑफ कोर्स, मतलब मेरा जो किरदार था सुभद्रा, तर सुभद्रासाठी तर लोकांनी खूप चांगले रिॲक्शन्स दिलेले आहे, लोकांना आवडले आहे ते। म्हणजे मला आजही कुठे गेले की मला खरवसचा सीन म्हणून मला बोलवलं जातं, त्यामुळे मला असं वाटतं की रिॲक्शन्स चांगली आहे, किरदार चांगले होते आणि असे शोज बनावे ज्याच्यामध्ये खूप काम केलं जावं। मला हे म्हणायचं आहे की यांनी, या लोकांनी, हे लोकं खूप काम करतात स्क्रिप्टवर, तसं काम जर सगळ्या ओ टी टी प्लॅटफॉर्ममधल्यांनी केलं तर चांगले शोज बाहेर येतील, नाहीतर खूप खराबही शोज बाहेर येतात अनफॉर्च्युनेटली। पण वी नीड टू वर्क ऑन दी कॉन्टेंट अँड द स्क्रिप्ट प्रॉपरली। मेरा अभी एक फिल्म है आदिल हुसैन के साथ, उसका नाम है निर्वाणा एन, जो अभी जस्ट पता चला है मुझे रिसेंटली, वो भूसान में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो मैं आई एम एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म। देन आई डिड अ फिल्म विद विजय राज, विजय राज को जानते हैं आप लोग? हाँ, विजय राज, तो उसका नाम है कानपुरी है, वो भी अभी जस्ट शूट ख़त्म किया है मैंने। और मैंने एक अमेजोन प्राइम का शो किया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो कॉल्ड गवर्नमेंट, तो वो भी अभी ख़त्म किया है। तो और उसके अलावा मैं एक एनजीओ चलाती हूँ नभांगन फाउंडेशन नाम से, जो एक एक दुष्काळग्रस्त गाँव है औरंगाबादच्या जवळ, त्याच्यावर 5 वर्षापासून काम करते है। तर आता आम्ही तिथे एक शाळा बनवतो आहे लहान मुलांसाठी, प्रायमरी स्कूल आहे, तर ते या शाळेचं काम कम्प्लीट होतं आहे। म्हणजे मला आजकाल कोणी विचारतं की काय चाललं आहे आयुष्यात, काय करते आहे, तुम्ही म्हणता आता सध्या टॉयलेट चालू आहे, मी टॉयलेट बांधते आहे गाव माझ्या शाळेमध्ये, सो दॅट्स व्हॉट हॅपनिंग। One minute. Yeah. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आज की स्क्रीनिंग के लिए। ये आदमी सबसे बड़ा लेजेंड है, निपुण धर्माधिकारी, हम सबको सभी यही सिखाता है, तो उसको बस देखने भाग रहे हैं हम लोग क्योंकि हम थोड़ा लेट है, बट वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। सारंग पौला ऑफकोर्स भाड़ी पर के हम बहुत बड़े फैंस हैं, उनका कॉन्टेंट आई थिंक बेस्ट है। जगत भारी के लिए बुलाएंगे हम, उस चीज़ के लिए सपोर्ट करने में आ जाएंगे। वे भाड़ी पर फॉर लाइफ, जगत भारी, निपुण धर्माधिकारी फॉर श्योर। या सेम हैज़ टू बी। इनफैक्ट अभी वो स्क्रीनिंग चालू हो गई तो मेरा हार्ट एकदम ऐसे धक 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 कर रहा है, बट आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोना सी इट एंड सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
जी तो नहीं अभी तो एक हुई है, सो लेट्स आई एम होपिंग कि और लैंग्वेजेस में करने का मौका मिले, तो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड उसका इंतज़ार हमें भी है, हम भी यही सवाल पूछ रहे थे मेकर्स से, लेकिन अभी अप्रैल से पहले तो देयर इज नो चांस, अप्रैल या फिर जुलाई। मवाली भाई, हम नहीं मवाली भाई यार गली बॉय की आवाज़ में गली बॉय रणवीर सिंह है, उनकी आवाज़ हम निकालेंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इलाका ये मेरा, गो बैक टू योर गली। थैंक यू सो मच।